स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम क्लास सिक्स का जो सेवन चैप्टर है एमेंस जो ये रीड कर रहे थे, इसके टू पार्ट हमने रीड कर लिए। आज हम इसका थ्री पार्ट जो कि पेज नंबर 47 पर है उसको रीड करेंगे। हमने अभी तक रीड किया था कि निखिल जो है पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ से वो चुरा कर ले आता है, पुलिस वाले उसके पीछे आते हैं और पुलिस वालों का विश्वास हो जाता है कि निखिल जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो वो एक पेपर लिखकर निखिल को देते हैं ताकि वो जाके और पुलिस वालों को वहाँ से बुला के लाएं। इसके आगे हम अब रीड कर रहे हैं। गो स्ट्रेट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस, तुम सीधे घर का जो लेफ्ट साइड है वहाँ जाओ, एंड नॉक ऑन द विंडो देयर, और वहाँ पर जो खिड़की है वहाँ पर नॉक करो। रोहन भैया इज देयर, रोहन भैया वहाँ पर है। निखिल स्पोक एंड रन बैक टू द पुलिस बूथ एट टॉप स्पीड, निखिल जो था वह उसने अपनी बात कही और दौड़कर जो पुलिस बूथ था वहाँ पर अपनी तेज स्पीड से वहाँ पर वापस जल्दी से आ गया। विद इन मिनट ही वॉज देयर अगेन, कुछ ही मिनट में वो वहाँ पर वापस आ चुका था। द पुलिस मैन शाउटेड एज ही सा निखिल, जो पुलिस वाले थे उन्होंने जैसे ही निखिल को देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। यू नॉटी बॉय वेयर इज द वॉच, तुम बहुत शैतान लड़के हो, घड़ी कहाँ है। ओ बिलीव मी, आप विश्वास करें, आई एम नॉट ए थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। रीड दिस क्विकली, जो पेपर था उसके पास उन्होंने वो पुलिस वाले को दिया और उससे कहा कि आप इसको तुरंत पढ़ें। योर फ्रेंड हैज सेंट इट, आपके मित्र ने ही कागज भेजा है। निखिल हैंडेड द नोट टू द पुलिसमैन, निखिल ने जो नोट था वो पुलिस मैन को दे दिया। एंड वेटेड इम्पेशेंसली, और अधीर होकर, मतलब उसको बहुत जल्दबाजी थी तो अधीर होकर वो इंतजार करने लगा। एज सून एज द पुलिसमैन रीड द नोट, जैसे ही पुलिसमैन ने उस नोट को रीड किया, ही स्वंग इनटू एक्शन, तो तुरंत एक्शन में आ गए। ही गेव सम मैसेज ऑन द वॉकी टॉकी, और उसने वॉकी टॉकी पर किसी को मैसेज किए। सून ए फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्ड, और तुरंत ही एक उड़न दस्ता जो था वहाँ पर आ गया। निखिल एंड अदर पुलिसमैन आल्सो क्लाइम्ड इनटू द जीप, निखिल और जो पुलिसमैन थे वो सब जीप में जाकर बैठे। व्हेन दे रीच्ड रोहन्स हाउस, जब वो रोहन के घर पहुँचे, द पुलिस मैन हु वर देयर ऑलरेडी जॉइंड देम एंड इन्फॉर्म्ड, और तो वहाँ पर जब रोहन के घर पूछे तो जो पुलिस वाला पहले से वहाँ पर उपस्थित था उसने इन्फॉर्म किया, रोबर्ट्स आर स्टिल इनसाइड, कि अभी भी जो रोबर्ट्स हैं वो घर के अंदर ही हैं। टू ऑफ देम आर आर्म्ड विद पिस्टल्स, उनमें से दो रोबर्ट्स के पास पिस्टल्स हैं। इन ऑल देयर आर फोर, और टोटल वो चार जने हैं, फोर रोबर्ट्स हैं। द पुलिस क्वाइटली सराउंडेड द हाउस, जो पुलिस थी उसने चुपचाप से उस घर को सराउंड कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। आफ्टर ए वाइल द फ्रंट डोर ओपन्ड एंड ए मैन होल्डिंग ए पिस्टल केम आउट, और कुछ समय बाद जो आगे का दरवाजा था वहाँ पर एक आदमी आया, उसके हाथ में पिस्तौल थी, बाहर आया। कॉशियसली ही लुक्ड अराउंड, सावधानीपूर्वक उसने अपने आसपास देखा। एंड फाइंडिंग नो वन ही सिग्नल टू हिज फ्रेंड टू कम आउट, और उसने अपने फ्रेंड को इशारा किया, सिग्नल दिया कि वो सब भी बाहर आ जाए। थ्री मोर पर्सन केम आउट, अंदर से तीन जने और जो थ्री रोबर्ट्स और थे वो भी बाहर निकल कर आए। वन वॉज होल्डिंग ए कैनवास बैग, एक के पास एक कपड़े का बैग था। द अदर ए पिस्टल, एक के पास पिस्टल थी। एंड द थर्ड वॉज एम्प्टी हैंडेड, हाथ था जो थर्ड व्यक्ति था वो खाली हाथ था। इज दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द गेट, जैसे ही वो गेट की तरफ जाने के लिए मुड़े, द इंस्पेक्टर शाउटेड, जो इंस्पेक्टर था वो चिल्लाया किच पकड़ो। एंड द पुलिस पार्टी अटैक्टेड, जो पुलिस की पार्टी थी पूरी दल जो इकट्ठा हो गया था वहाँ पुलिस वालों का, उन्होंने उन रोबर्ट्स पर अटैक कर दिया। थोरोली अनप्रिपेयर्ड फॉर द सडन अटैक, और जो रोबर्ट्स थे वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। द रोबर्ट्स लॉस्ट देयर विट्स, जो रोबर्ट्स थे उन्होंने अपनी जो बुद्धि थी उसको खो दिया, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। दे वर सून ओवर पावर्ड एंड डिसआर्म्ड, वे जल्दी ओवर पावर्ड मतलब शक्तिहीन हो गए, और उनके पास डिसआर्म मतलब जो उनके पास शस्त्र थे वो भी नहीं रहे। पुलिस अरेस्टेड देम, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। एंड हर्डेड देम इनटू ए जीप, और उनको जीप के अंदर एक साथ डाल दिया। द पुलिस मैन एकंपनिंग द रोबर्ट्स लेफ्ट इन द जीप, एंड द रेस्ट ऑफ द मैन वेंट इनसाइड, जो पुलिस मैन थे उनमें से कुछ रोबर्ट्स को जीप के अंदर डाल रहे थे, और जो अंदर कुछ पुलिस वाले अंदर गए घर के अंदर, दे अनटाइड रोहन एंड हिज ग्रैंड मदर, उन्होंने रोहन को और उसकी दादी को खोला। देन दे वेंट इनटू द अदर्स बेडरूम वेयर दे अनटाइड रोहन्स मदर एंड ग्रैंडफादर,
फिर वे दूसरे कमरे में गए जहाँ रोहन की मम्मी को उनके दादाजी को बांधा गया था, उनको उन्होंने वहाँ से खोला। हिज ग्रैंडफादर वाज बैडली इंजर्ड इन द स्कफल, और उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी थी स्कफल मतलब हाथापाई में विद द रोबर्ट्स, रोबर्ट्स के साथ। द एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड द वायरलेस, एम्बुलेंस को वायरलेस के द्वारा मंगाया गया सिंस द रोबर्ट्स हैड कट द टेलीफोन लाइन एट रोहन्स हाउस, क्योंकि जो रोबर्ट्स थे उन्होंने रोहन के घर की जो टेलीफोन लाइन थी उसको काट दिया। मीनवाइल दे ऑल असेंबल्ड इन द ड्राइंग रूम, इसी बीच सभी ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो गए। निखिल नरेटेड द होल स्टोरी, निखिल ने सभी को पूरी स्टोरी बताई। गैप्स वर फिल्ड बाई रोहन एंड हिज मदर, और जो गैप था वहाँ पर जो जगह बची थी वो भी रोहन और उसकी मम्मी भी वहाँ पर आ गई। द पुलिस इंस्पेक्टर पेटेड निखिल एंड सेड, जो पुलिस इंस्पेक्टर था उन्होंने निखिल को शाबाशी दी और कहा यू ऑल मस्ट थैंक दिस स्मॉल बॉय फॉर योर रेस्क्यू, आप सभी को छोटे से बच्चों को अपने बचाव के लिए आपको बचाया है इसलिए आप सबको इसको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इट वॉज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड विच सेव्ड यू, यह तो उसके दिमाग ने उपस्थिति थी इसमें बहुत अच्छा दिमाग लगाया और तुम सबको बचा लिया। रोहन केम टू निखिल एंड सेड, रोहन निखिल के पास आया और कहा हे आई ऑलवेज ट्रीटेड यू एज ए स्मॉल किड, मैं तो तुम्हें हमेशा एक छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट करता रहा, बट यू आर ए वेरी ब्रेव बॉय, लेकिन तुम एक बहादुर लड़के हो, यू रियली डिड ए मैंस जॉब, तुमने वाकई में एक जो बड़ा व्यक्ति काम कर सकता है तुमने ऐसा काम किया है, तुम अब छोटे नहीं हो। फॉर निखिल वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, निखिल के लिए यह एक बहुत अच्छा क्षण था, खुशी वाला पल था। ही वॉज नो मोर ए स्मॉल चाइल्ड फॉर रोहन भैया, वह रोहन भैया के लिए अब छोटा बच्चा नहीं रह गया था। हिज फेस बीम्ड विद जॉय, उसका जो चेहरा था वो खुशी से चमक उठा। रोहन भैया कैन आई कम टू प्ले क्रिकेट विद यू नाउ, क्या मैं आपके साथ क्रिकेट खेलने आ सकता हूँ, ही आस्क्ड शायली, उसने शर्माते हुए कहा। रोहन नोडेड विद ए स्माइल, रोहन ने एक स्माइल के साथ सिर हिलाकर उसको हाँ कह दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर अगेन।